हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैं एक ऐसी एक ऐसी इतनी टेस्टी सिंपल रेसिपी बताऊंगी ना, जो आपको समर में हाइड्रेटेड रखेगा, एकदम अच्छा खाना और हेल्दी खाना। और तो सबसे पहले चाहिए अनियन, इसको क्या बोलते हैं, कोरिएंडर, और थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च ज़्यादा नहीं डालना, कम ही डालना तो अच्छा है। तो सबसे पहले ना ये हमारे पास चावल है, चावल बचा हुआ रहेगा ना तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसमें ना हमको डालना है पानी, हाँ ये पूरा पानी बस। फिर मस्ते अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। ठीक है, इसको साइड में रख देना है। और फिर हमको लेना है आलू, ये मैंने उबाल के रखे थे ये। ठीक है, इसको छील लेना है। तो मैंने आलू छील लिया, इसमें जाएगा अनियन। ठीक है, और हरी मिर्च, हरी मिर्च थोड़ा कम ही डालो, ज़्यादा डाल देना तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब इसमें डालना है थोड़ा सा धनिया और नमक और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, इसके बाद इसको अच्छे से मैश कर लेना। गर्म है, ओ गर्म है। ये हमारे किचन में मत ध्यान देना, इधर हम चपाती बनाने वाले ना, इसके लिए वैसा देखना। अच्छे से इसको ना ऐसे अच्छे से करके फिर बॉल बना लेना, बना लेना है। यहाँ बहुत गर्म है। छूट ही जाएगा, ठीक है, चलो मैं बाद में ले लूँगी हाथ से। ये बॉल बन गया, हमको या तो बाउल लेना या तो फिर ऐसा ऐसे वाला प्लेट जो अंदर तक जाए। ठीक है, इसमें पहले तो हम राइस डाल देंगे, ये वाला कितना कैसे दिख रहा है ना, लेकिन ये अच्छा लगता है। प्लीज़ प्लीज़, मैं क्यों प्लीज़ प्लीज़ कर रही हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। डाला और फिर इसके अंदर का जो पानी हमने इसमें डाला था ये भी डालेंगे थोड़ा। ठीक है मम्मी, ठीक है, इसमें थोड़ा नमक, देन हल्का सा मस्टर्ड ऑयल डाल देना है बस, हल्का, ज़्यादा नहीं डालना, फिर वो ना अच्छा नहीं लगता है। और हल्का थोड़ा थोड़ा प्याज, एकदम थोड़ा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी इसमें भी है ना प्याज और धनिया, बस ये डाल के ना इसको मिक्स करना है अच्छे से। और इसमें दही डालना है, दही, थोड़ी सी दही मैं डालती हूँ, एक सेकेंड ना, फिर इसको मिक्स कर लेती हूँ। चावल कितना कम ले लिया मैंने, और लेती हूँ उनको। फिर इसमें डालेंगे दही, मैं पैकेट से ही डाल रही हूँ। ये डाल दिया, मेरे को ज़्यादा खट्टा वाला, और खट्टा वाला दही यूज़ करना हो गया। फिर इसको मिक्स करना है, हाँ मम्मी मिक्सर, मेरे को मच्छर काटा, मेरे को मच्छर काटा। फिर मिक्स कर दिया अच्छे से। ठीक है, इसके बाद हमको ये रखना है इसके साथ, और फिर अपने खाने को इसके साथ ऐसे लेके, ऐसे लेके इंजॉय करना। तो ये रेसिपी ना अपने घर पे ट्राई करना, और मेरे को कमेंट में बताओ कैसी लगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।